सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी हिंदी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों 20 तारीख को Redmi उसके और एक फोन लॉन्च करने वाला है, वो है Redmi Note 7S। इस फोन का स्पेसिफिकेशन भी कुछ बाहर आ गया है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर पे आएगा, 6.3 इंची FHD प्लस डिस्प्ले होगा। इसका जो कैमरा रहेगा पीछे रियर कैमरा रहेगा, 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का कैमरा रहेगा और फ्रंट पे रहेगा 13 मेगापिक्सल। और इसका जो बैटरी होगा 4100mAh बैटरी और फास्ट चार्जर के साथ आएगा। तो दोस्तों इस फोन के स्पेसिफिकेशन बहुत ही अच्छा है। ये फ़ोन एक्चुअली गेमिंग फ़ोन और बोल सकते हो कैमरा सेंट्रिक फ़ोन भी हो सकता है। अभी देखेंगे ये फ़ोन 20 तारीख को लॉन्च होने के बाद एक्चुअली कैमरा कितना अच्छा होगा और परफॉर्मेंस कितना ये फ़ोन देता है। और इसका जो MRP आएगा वो कुछ 15,000 से लेकर 16,000 के बीच ही आएगा। तो देखते हैं 20 तारीख को लॉन्च होगा उसके बाद ये फ़ोन एक्चुअली कैसा होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी हिंदी। तो चलिए जान लेते हैं आज के और क्या क्या टेक न्यूज़ है। दोस्तों और एक फ़ोन लॉन्च हो गया आसूस की तरफ से, आसूस जेनफोन 6 लॉन्च हो गया है। बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशन के साथ आया है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर उसमें है, 5000mAh बैटरी है, डेडिकेटेड SD सिम कार्ड है, यानी कि 2 SIM और 1 मेमोरी आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। टोटल कोई भी नॉच नहीं है, पॉप आउट कैमरा है, मगर ये कैमरा अलग तरीका का कैमरा है, यानी कि उसका सामने कोई कैमरा नहीं है। कैमरा का सिस्टम ऐसे फोल्डिंग बोल सकते हो, कैमरा को पीछे चला जाता है, जब सेल्फी लेते हो तभी कैमरा ऊपर आता है। और 2 कैमरा है, 48 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा, जो रियर कैमरा है वही फ्रंट कैमरा वो है। यानी कि बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है, डिस्प्ले भी बहुत अच्छा है। और सबसे ज़्यादा है इसका प्राइस, ये फ़ोन का कुछ प्राइस इंडिया में जब आएगा कुछ 31,000 से लेकर 33,000 के अंदर ही होगा। और इस फ़ोन के साथ कंपटीशन में है OnePlus 7 Pro। अभी देखते हैं एक्चुअली कितना कंपटीशन कर सकते हैं, क्योंकि ये फ़ोन का स्पेसिफिकेशन भी अच्छा है, कैमरा भी अच्छा है और बैटरी सबसे खास है। क्योंकि OnePlus के जो फ़ोन आता है उसका बैटरी ज़्यादा नहीं रहता, जैसे OnePlus 7 जो आ रहा है उसका बैटरी कुछ है 3700mAh बैटरी है, मगर इसका 5000mAh बैटरी है। तो इसके लिए बैटरी की तरफ से तो देखा जाए तो आसूस बहुत ही अच्छा है, मगर एक प्रॉब्लम आसूस का है वो है अपडेट। उसका सॉफ्टवेयर अपडेट ठीक से नहीं मिलता। अगर सॉफ्टवेयर आसूस ने बोला है सॉफ्टवेयर अपडेट ठीक ठाक इस फ़ोन में मिलेगा, अभी देखते हैं, अगर मिलता तो अच्छा है, नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम तो कंपनी के भी कॉल कर सकते हैं और कुछ नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इंडिया में जब आएगा एक्चुअली ये फ़ोन कितना। और एक फ़ोन आ गया है Oppo F11 Pro, Amazon में आपको मिल जाएगा, पॉप आउट सेल्फी कैमरा है। इसका जो वेरियंट है, जो फ़ोन है इसका डिस्प्ले है 6.5 इंच FHD प्लस डिस्प्ले है, पॉप आउट सेल्फी कैमरा है, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 48 प्लस 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है। बुक चार्जिंग मिलेगा इस फ़ोन में। इस फ़ोन का जो प्रोसेसर है Helio P70 प्रोसेसर है और कुछ प्राइस है 22,000 रुपये। 22,000 रुपीज़ लेके देखे ये फ़ोन लेने का कुछ मतलब होता है क्या? क्योंकि अगर Helio P70 प्रोसेसर वाला एक फ़ोन ले वो भी पॉप आउट सेल्फी कैमरा के लिए कुछ 22,000 रुपये से, तो उसमें Helio P70 में Realme 3 आ जाता है कुछ 8,000 रुपये में। ये भी देखने का चीज़ है। अगर आप लोग कोई Oppo के फ़ोन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, मगर Realme 3 Pro उससे अच्छा, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसका प्रोसेसर भी एकदम ठीक ठाक है और जो Realme 3 Pro जो है उसका कैमरा भी एकदम ठीक ठाक है। और Oppo F11 Pro से Realme 3 Pro बहुत ही अच्छा है, क्योंकि Oppo का ही सब ब्रांड है Realme और Oppo में जो जो चीज़ मिलते हैं वो Realme भी मिलता है। तो देख सकते हो आप, अगर कोई किसी के लेने को इच्छा है तो वो जाके Amazon में ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि Amazon में अभी मिलना चालू हो गया है। दोस्तों अभी तक के वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और जो नया देख रहे हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई सवाल या सुझाव अगर होगा तो हमारे कमेंट में कमेंट कर देना, हम लोग को देख के आपके कोई सवाल रहेगा तो उसका जवाब दे देंगे। कोई सुझाव रहे? ये न्यूज़ पबजी की तरफ से, पबजी ने अनाउंस कर दिया है उसका 100 मिलियंस यूज़र एक्टिव यूज़र हो गए, यानी कि पबजी बहुत लोग खेल रहे हैं और उसका एडिक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। मगर पबजी एक ऐसा गेम है जो बहुत ही जल्दी ऊपर आ रहा है और हर एक यंग जनरेशन ये गेम खेल रहे हैं, और गेम खेलने के बाद कुछ एडिक्शन के लिए बहुत प्रॉब्लम भी हो रहा है उसके ऊपर ये न्यूज़ भी आ रहा है। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है सभी मेरे बंधु से, जो पबजी खेलते हो एक लिमिट में खेलो, 1 घंटा 2 घंटा ठीक है,
मत, उसके ज़्यादा मत खेलो, क्योंकि ज़िंदगी में हर एक मिनट बहुत ही कीमती होता है। उस एक मिनट को खुद के लिए लगाओ, काम पे लगाओ, वो चीज़ अच्छा होगा। गेम एक अच्छा चीज़ है, एंटरटेनमेंट का चीज़ है। अगर आप गेम खेलोगे तो खेल की तरह भी रखो, खेल के जैसा ही उसको देखो, उससे ज़्यादा मत करो, क्योंकि उससे ज़्यादा करोगे तो खुद का भविष्य खराब हो जाएगा। दोस्तों, पबजी जैसे बहुत ही आगे आ रहे हैं, वैसा ही फोर्टनाइट भी बहुत ही आगे आ रहे हैं। फोर्टनाइट भी उसने भी अनाउंस कर दिया है, उसका भी कुछ यूज़र है जो 7 से लेकर 8 करोड़ तक हो गए, यानी दूसरे नंबर पे वो है, वो भी बहुत ही जल्दी आगे आ रहे हैं। मगर एक ही चीज़ बोलूँगा इस बारे में भी, कोई भी गेम खेलो, एडिक्शन मत करो, गेम को गेम की तरह ही देखो, उसके ज़्यादा कुछ नहीं देखो। गेम खेलना है खेलो, उसके बाद भूल जाओ, उसके बाद काम करना चालू कर दो, नहीं तो गेम के लिए आप खुद के बढ़ जाए। दोस्तों, रियलमी एक्स इंडिया में आने वाला है, माधव सेठ जी ने कंफर्म कर दिया है उसका, वो कुछ एक महीने के अंदर ही रियलमी एक्स भी इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। तो अगर कोई पॉप आउट सेल्फी कैमरा एक अच्छे प्राइस में, एग्रेसिव प्राइस में लेना चाहते हो तो कुछ एक महीना वेट कर लो, उसके बाद आप रियलमी एक्स आएगा, रियलमी एक्स ले सकते हो, क्योंकि उसका जो भी फ़ोन आता है कुछ 25, 26 या 28 तारीख को आता है, तो उतना टाइम तक आपको वेट करना ही पड़ेगा, उसके बाद आपको ये फ़ोन अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके अंदर ही और एक फ़ोन भी आ जाएगा, रेडमी का फ्लैगशिप भी आएगा, रेडमी का K20 भी आएगा। अभी देखना है रेडमी का K20 जो आता है वो कौन से प्राइस में आता है और वो कौन से नाम पे आता है। एक्चुअली उसके दोनों फ़ोन के अंदर एक फ़ोन जो आएगा वो पोको F2 के नाम पे आएगा। अभी देखते हैं कौन सा फ़ोन आते हैं पोको F2 के नाम पे। दोस्तों, स्मार्ट टीवी की दुनिया में Xiaomi एक अच्छा जगह क्रिएट कर लिया है खुद के लिए, क्योंकि 2 मिलियन टीवी, स्मार्ट टीवी उसने बेचा है इंडिया में। उसको सैमसंग, पैनासोनिक, ऐसा सोनी, LG ऐसे बड़े बड़े कंपनी को बीट करके आगे आ गया है स्मार्ट टीवी के लिए, क्योंकि स्मार्ट टीवी उसका अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है, कुछ ख़राब नहीं होता है। और उसका प्राइस जैसे मोबाइल में रहता है वैसे टीवी में भी बहुत ही एग्रेसिव प्राइस में आता है, इसीलिए बहुत ही जल्दी उसका टीवी भी पॉपुलर हो गया। आपके पास अगर किसी के भी जो Xiaomi का टीवी होगा तो एक बार कमेंट करके बताना आपके पास जो टीवी है वो कैसा है, कितना अच्छा है, क्योंकि मेरे पास जो टीवी है Xiaomi के एकदम सही है, कोई कंप्लेन नहीं है, अच्छा कलर भी है, अच्छा साउंड भी है। आपके पास अगर होगा, कैसा इस्तेमाल करते हो आप, या कैसा पिक्चर आपको लगता है, साउंड कैसे लगता है, ज़रूर कमेंट करके बता देना। तो दोस्तों, आज के लिए टेक न्यूज़ इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखना, क्योंकि जब भी कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।